ग्रीटिंग्स स्टूडेंट्स, डिजोल्यूशन ऑफ फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि जब किसी लायबिलिटी यानी क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल की पेमेंट हम एसेट्स के थ्रू करते हैं, एसेट का मतलब अदर देन कैश एंड बैंक, कैश भी एसेट है लेकिन कैश और चेक के अलावा हम किसी और मोड से पेमेंट करते हैं, जैसे किसी को फर्नीचर दे दिया, स्टॉक दे दिया, इन्वेस्टमेंट दे दी, बिल्स रिसीवेबल दे दिए, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर 62,000, सन्ड्री एसेट्स, स्टॉक 50,000। मैंने सिर्फ वही वैल्यू ली है कि जिनको हमें डिस्कस करना है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, हमने क्या किया, एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे डेबिट में। क्रेडिटर्स हैं 62,000 के, इनको ट्रांसफर कर दिया क्रेडिट साइड में। जो स्टॉक है ये रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर हो जाएगा टू स्टॉक 50,000। वैल्यू सिर्फ हमने उस स्टेटमेंट और ट्रांजेक्शन की ली है जिसको इसमें आपको मैंने समझाना है। यानी क्रेडिटर्स ले लिए हमने, क्रेडिट में चले गए रियलाइजेशन के, स्टॉक डेबिट में ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए हमारी स्टेटमेंट क्या है, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स बिल्स पेबल बाय एसेट अदर देन कैश और चेक। अब देखिए, क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज 62,000, यानी जो हमारे 62,000 के क्रेडिटर्स हैं, दे एक्सेप्टेड स्टॉक ऑफ रुपीज 50,000 इन फुल सेटलमेंट। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो हैं 62,000 के और जो स्टॉक है दैट इज 50,000, तो दोनों का अमाउंट मैच नहीं करता लेकिन फुल सेटलमेंट हो गई। इससे पहले एक बात और समझ लें, हमने स्टॉक अकाउंट को बुक्स से कैंसिल कर दिया, राइट ऑफ कर दिया 50,000, क्रेडिटर्स को बुक्स ऑफ अकाउंट से कैंसिल कर दिया, क्रेडिट में लिख के 62,000। अगर हम लाइबिलिटी की पेमेंट कैश या चेक से करते हैं तो वो रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाती है टू बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ हम ना कैश दे रहे हैं ना चेक दे रहे हैं, यहाँ हम क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहे हैं किससे, अदर एसेट्स। अदर एसेट्स क्या है, स्टॉक। तो देखिए इसका मतलब समझ लें, यानी जो 62,000 के क्रेडिटर्स हैं उन्होंने या तो, समझने का मतलब देखिए आप, ये या तो स्टॉक को 62,000 का मान लिया, क्योंकि आपने किसी से 62,000 लेने भाई और आपने बदले में 50,000 एक्सेप्ट कर लिए, इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक की वैल्यू या तो आपने 62,000 मान ली, या यूं कहें कि आपने अपना क्लेम घटाकर कितना कर दिया, 50,000 कर दिया। तो इस ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, याद रखें इसकी एंट्री देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस ट्रांजेक्शन की कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। क्यों कोई जनरल एंट्री क्यों नहीं होगी, क्योंकि हम स्टॉक और क्रेडिटर्स दोनों को ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में राइट ऑफ कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं। इसलिए चाहे स्टॉक यहाँ 1,00,000 रुपए का हो, 2,00,000 रुपए का हो, चाहे स्टॉक 10,000 का हो, जब भी कोई क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल किसी एसेट को एक्सेप्ट करें, चाहे वो एसेट रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। स्टूडेंट्स दोबारा समझ लें इस बात को बेटा, जब भी हम किसी लाइबिलिटी की पेमेंट स्टॉक, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल से करें, यानी अदर देन कैश और चेक, और दोनों का अमाउंट चाहे डिफर करता हो, बहुत ज़्यादा फर्क हो अमाउंट में, तब भी उसकी कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। तो इन वैल्यूज़ को, इन स्टेटमेंट्स को अच्छे से देखें, जनरल एंट्रीज अपने इलस्ट्रेशन से और एक्सरसाइज से ज़रूर डिस्कस करें, रिटन राइटिंग प्रैक्टिस करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट।